कैसे हैं आप सभी लोग? बेटा, जी, आई एम सो गुड। कैसे रही आप कैसे मैम? सबकी मॉर्निंग? आज का दिन कैसा अच्छा गया? कैसा गया आप तक का अभी तक? दिन तो आई एम श्योर सबका अच्छा ही जाएगा, बिकॉज वी आर वॉचिंग यूट्यूब एंड वी यस, कैन सी पीपल गुड। आर हाँ, लविंग गुड। अवर सॉन्ग। मेरे हानिया को काफी सही सक्सेस मिल चुका है, 5.5 लाख व्यूज भी आ चुके हैं अभी तो। सब लोग बहुत ही, ऑडियंस काफी पसंद कर रहे हैं इस सॉन्ग को। तो हम आप सबसे जी। जानना चाहेंगे कि कैसा रहा इसका एक्सपीरियंस। और अभी जानने मुझे मिला है कि आप, आंचल जी, आप बीमार थे और फिर भी आपने शूट किया, तो क्या कुछ हुआ इस शूट के दौरान? सबसे पहले मैं आंसर करती हूँ। पहली बात तो, जब मुझे ये सॉन्ग भेजा गया था, आई हर्ड द कंप्लीट सॉन्ग एंड इन 5 सेकेंड्स आई मेड अप माई माइंड दैट आई वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ द सॉन्ग। एंड इट वॉज नॉट एन ईजी डिसीजन फॉर मी, क्योंकि मेरी ऑलरेडी शूट की डेट्स कहीं पे और कमिटेड थी और बहुत ही बिजी स्केड्यूल चल रहा था। हाँ, बट आई एम सो ग्लैड दैट इट ऑल वर्कड आउट सो ब्यूटिफुली। द टीम सपोर्टेड मी एंड अभी अच्छा ये बात लग रहा है कि गाना तो सुनने में बहुत अच्छा था ही, है ना? लिरिक्स बहुत प्यारे थे, बट विजुअली जो रोहित ने इस सॉन्ग को ट्रीट किया है एंड द वे ही इज क्रिएटेड दैट मैजिक, यू नो, एवरीबडी इज टेलिंग मी कि यार इट्स अ सिनेमैटिक एक्सपीरियंस टू वॉच दिस सॉन्ग। हालांकि ये सॉन्ग अभी एज वी नो हर ऐप, हर पॉपुलर ऐप में अवेलेबल यस, है और आप सुन सकते हो, हाँ, लेकिन मैं काफी लोगों को जानती हूँ जो गाना देख के सुनना चाहते हैं। सो आई थिंक दैट्स अ ह्यूज कॉम्प्लीमेंट टू रोहित एंड डीओपी। थैंक यू सो सो मच। आई हैड अ ब्लास्ट। आई थिंक ड्यूरिंग द शूट आल्सो वी हैड अ ब्लास्ट एंड नाउ द सॉन्ग इज आल्सो आउट दैट द सॉन्ग इज आल्सो आउट नाउ। आई एम हैविंग अ सुपर्ब टाइम लुकिंग एट पीपल्स रिस्पॉन्सेस। ओके okay. और रोहित जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आपके लिए इतना डिफिकल्ट था, लाइक ऐसे पूरा ऐसे शूट करना, ऐसी लाइन करना? देखिए, पहले सबसे पहली चीज जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, पहले जब हमने गाना सुना था, मतलब व्हेन वोन रिकॉर्डेड एंड यू नो मेड द ट्रैक एंड ऑल, जब आरकुदा ने गाया नहीं था, ठीक है, तो हम तभी सोल्ड थे। आई थिंक श्वेता मैम ने उस टाइम तक सुन के इस क्वेश्चन कर लिया था कि या दिस इज द वन वी गोना गो अहेड विद। एंड ओके तो फिर अर्कुदा की जब वॉइस के साथ में हमने लेयरिंग सुना, मैंने और भुवन, हम लोग स्टूडियो में बैठे हुए थे, हमने कहा ये गाना हिट हो चुका है ऑलरेडी। व्हाट व्हाट एग्जैक्टली वी नीड, लाइक यू नो, टू 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 रैप इट अराउंड। तो हमको एक बेस्ट पेयर लेना है एंड वी कैन व्हाट एवर विजुअल गोना पुट, वो सब सही हो जाने वाला है। सो या सो वी स्टार्टेड यू नो हंटिंग फॉर द एक्टर्स। एंड उस टाइम पे आई वाज इन टच विद फ्यू ऑफ द टी सीरीज पीपल, और पार्थ सर का गाना आया था उस टाइम पे, और ओके द मिनट आई सॉ द सॉन्ग आई सेड दिस इज द गाय। एंड आई ऑलवेज वांटेड टू वर्क विद आंचल फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम। आई ओ सॉ हर कपल ऑफ एड्स एंड आई फॉल इन लव विद यू नो हर हर द अपीयरेंस ऑन द स्क्रीन। तो मैंने वो देखा, मैंने कहा कि कास्टिंग वाले से मैंने हमने बोला कि सर आप बेस्ट फेस तो दिखला रहे हो, कोई एक ऐसा फेस दिखलाओ जहां पर हम सोल्ड आउट हो जाएं। अपेरेंटली ही ऑल्सो शोड आंचल फोटो एंड आई सेड लेट्स मेक इट हैपन एंड लेट्स यू नो लॉक हाँ इट एंड नॉट थिंक मोर अबाउट इट। आई केप्ट सेंडिंग, आई थिंक फोटोग्राफ्स वी केप्ट सेंडिंग टू द प्रोड्यूसर्स आल्सो, श्वेता मैम को भी हमने काफी, शी वाज वेरी चूजी दो, ओके काफी सब कुछ टाइमली बैठ गया। देन एक यू नो व्हेन यू हैव द बेस्ट एक्टर्स आल्सो इन प्लेस, देन यस मैं हमेशा से प्लाश सेन का म्यूजिक काफी सुनता रहा हूँ। यू नो 90s किड, तो आपको प्लाश सेन का म्यूजिक सबसे पहली चीज मिलती है आपको, और भूलेगी कैसे भूलेगी तू मेरा नाम और मायरी, और माय मतलब रिप्लाई उनके सारे गाने, उनके उनके सारे गाने सुपर हिट हैं।
फिर बॉम्बे वाइकिंग के गाने आते थे उस टाइम पे, यू नो 90s का टाइम ही ऐसा था जब आपको आपको वीडियो से बहुत प्यार होता था, फिर आप ऑडियो ट्रैक के यू नो मतलब फाल्गुनी पाठक के अगर आप उस टाइम के जितने भी म्यूजिक वीडियोस देखोगे सबसे प्यार हो जाएगा. सो इट वाज दैट आई वांटेड टू क्रिएट दैट, आई वांटेड टू क्रिएट दैट लव स्टोरी यू नो. और थैंकफुली सब कुछ सही बैठा, लोकेशन yes. बहुत अच्छी मिल गई. ओरछा एक बहुत ही प्यारी लोकेशन है. मैंने नहीं सोचा था कि इस तरीके की लोकेशन मिल जाएगी. Somebody suggested me to shoot in MP. So we went to Shivpuri. Shivpuri is beautiful. Then we went to, somehow we landed up in Orchha. I saw the, I mean the diversity in the same state, you know, or same place. आपके पास फोर्ट्स भी, आपके पास माउंटेन्स की छोटी छोटी माउंटेन्स भी हैं और वाटर बॉडी भी बहुत अच्छी है. Yes. I said this is the place we wanted to shoot. And then I heard कि वहाँ पर रावण और जैसी मतलब मनीषर ने काफी सारी फिल्में करी हैं. So I said this is the place we're gonna shoot it. That's how we landed up with this. Brilliant DOP is amazing to work with. I think you know, one DOP I wanted to repeat over and over again in my life. So yeah, that's something. Yeah. Yes, yeah. And the whole effort turned out very well, actually. Yeah. स्वेता जी, हम आपसे पूछना चाहेंगे, जैसे कि रोहित जी ने कहा आप बहुत चूजी है कास्ट के बारे में, लाइक किसको कास्ट करना है, तो आपने आंचल को क्या देख के कास्ट किया एंड एज वेल पार्थ? हमारा ऐसा था, हमें एक स्वीट कपल चाहिए था. ओके. एंड आंचल मैम इज रियली वेरी स्वीट एंड ब्यूटीफुल. She did very, उन्होंने अपना पूजा का रोल उन्होंने बहुत अच्छे से किया एंड आई एम रियली थैंकफुल मैम, थैंक यू सो मच. और पार्थ तो है द लव ब्रांड, एक्चुअली इज माय पर्सनल फेवरेट एंड वो काफी सूट करते हैं हमारे सॉन्ग को. इट्स अ रोमांटिक सॉन्ग एक्चुअली, दिस इज द रीजन व्हाई. ओके, सो लाइक आप सभी लोग एक साथ रहे हो के इतना अच्छा लाइक काम किया, बहुत अच्छे से वो काम पूरा भी हुआ है, तो आप एक दूसरे को जानते रहेंगे अभी, तो हमें बताइए एक दूसरे के बारे में कुछ, एक अच्छी क्वालिटी बताइए और एक बैड क्वालिटी बताइए जो आपने नोटिस की हो शूट के दौरान, कुछ भी लाइक फनी मोमेंट भी हुआ हो, एनीथिंग. ओके, मुझे लग रहा कि सब मेरी स्टार्ट विद आंचल. सो आई एम गोना वेट फर्स्ट एंड देन गोना से. सो यार अच्छा, आप मतलब रोहित इज वेरी स्मार्ट, ही विल सी कि पहले मैं क्या बोलती देन ही विल मेक अप द आंसर. नो, आई नो व्हाट टू से अबाउट यू. फॉर मी आंचल इज अ वेरी यस गर्ल. व्हाटएवर यू से टू हर, आंचल दिस वी नीड टू डू इट इन यू नो दैट सर्टेन टाइम एंड आई हैव दैट यू नो टाइम लिमिटेशन एंड दैट. This is with Parth bhai also. They were too cooperative. Like whatever I say, and yeah, things I don't have to like run behind them for anything. And there was so much of chaos in the shoot, right? Chaos because we wanted to shoot too much. Actually, I'm a very greedy guy. I'm a greedy one. So I wrote many instances and which was not looking feasible in the first go. But yes. अगर ये दोनों का सपोर्ट नहीं होता तो शायद नहीं कर पाता. या सो दैट इज द बेस्ट क्वालिटी. एंड श्वेता मैम के बारे में, इनका इनका जो परसिस्टेंस लेवल और जो पेशेंस लेवल है ना बहुत अच्छा है. और दे सेट यू फ्री एक्चुअली बिकॉज दे बिलीव इन गिविंग यू कमांड. वट एवर डिसीजन यू वांटेड टू मेक यू कैन मेक इट एंड दे विल सपोर्ट यू यू नो इन ईच डिसीजन ऑफ योर्स एंड दैट इज द बेस्ट पार्ट. अगर हम you know the way we deal with the Bombay producers nowadays to matlab maine to kafi abhi matlab main Mumbai ke producer se thoda sa waise rehta hu, agitated rehta hu. Okay. So, ha par main yehi soch raha tha ki because it was the first product from their side to main thoda sa dara hua tha ki yaar kaise hoga, but
looking at, you know, their support, how you wanted to do, you are set to free, like tumhare paas paisa hai, tum banao apni cheez. Koi mere ko film nahi banane de raha tha, to maine kaha ki gaane ke andar hi film bana lete hain, and which I did, I think, quite well. And when Arko Das saw the song, he said, tum film bana ke leke aa gaye ho. So yeah. Okay, so now Achal, it's your turn. Talking about the good things, I have lots and lots of good things to talk about the whole team actually. But so about Rohit, I can you, I think you should be talking about everyone then, I think. I will do that now that I've gotten a chance to talk. So starting with Rohit, I really think that Rohit is a person just kind of, he talks less, but he has a lot of things to express, you know, about his vision, what he really wants, how he wants, wo bariki, wo intricacy. Agar romantic scene hai, ya ladka ladki ne ek dusre ko dekha hai, उनके दिमाग में उस टाइम पे क्या सोच चलनी चाहिए, कितना एक्सप्रेशन देना है, मतलब वॉल्यूम का जो कंट्रोल है वो जो एक डायरेक्टर के हाथ में होता है, उन्होंने वो बहुत ही बखूबी निभाया, यू नो. एंड ही ऑलवेज यूज्ड टू कीप गाइडिंग मी एंड पाथ, लाइक आई हैव डन लॉट ऑफ रोमांटिक थिंग्स. पाथ एज वी ऑल नो, यू नो, ही मैंने उसके देखे, फैंस जो है वो सबसे पहले यही लिखते हैं कि किंग ऑफ रोमांस पाथ समथान. सो he's also very, very experienced, you know. So when you get to people who know their jobs, you know, a director can leave it upon them ki aap kar lijiye apne hisab se, ye meri kahani hai, ye mera idea hai, ab aapke haathon mein. In spite of giving us that liberty, Rohit always had the control. Like, you know, he told me ki we want to show chote shehar ki ladki hai to uska hasna itna hoga ya उसका शर्माना इतना होगा, या वो जब लड़का फर्स्ट टाइम उसको हक करता है तो वो ऐसे एक्सप्रेशन देगी. तो वो जो भी बारीकियां थी ना, मुझे रोहित ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करी विदाउट टॉकिंग टू मच, बिकॉज यू नो ही अंडरस्टैंड्स कि एवरी आर्टिस्ट इज इन हिज और हर जोन. तो कितना हम इंटरैक्ट करें, कितनी हम बातचीत करें, आई थिंक बहुत अच्छी वाइबिंग हुई विद रोहित. आई वॉज वेरी कंफर्टेबल, और मुझे रोहित के साथ लगा ही नहीं कि honestly this is my first time working with him, because I was very comfortable. I knew that what he wants to say, and I hope ki he also felt the same with me. And as he said that our DOP, he also just supported Rohit's imagination like anything. Like I used to see the conversations of set pe kai baari na dekhne ko milta hai jab time bahut kam hota hai na और काम बहुत ज्यादा होता है. I always see ki हमारे DOP और director के बीच में ना कभी कभी heated conversation होती है कि हमको ये करना है, वो करना. But they both were extremely passionate. You were very much aligned. Yeah, you were very much aligned actually on the shoot. Yeah, on the same page. मतलब जैसे कि वो दोनों का सेम ही सपना है, तो जब आप इतनी सपोर्टिव टीम के साथ काम करते हो ना, तो वो जुनून काम करने का आपके भी अंदर से बहुत बढ़ता है. जैसे हमारे शूट में ये कुछ डिलेज हो रहे थे, बिकॉज जब सारी टीम सेट पर आती है फॉर द फर्स्ट टाइम, यू नो, योर कॉस्ट्यूम पीपल आर देयर, योर मेकअप टीम इज देयर, योर लोकेशन पीपल आर, यू नो, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ पीपल वर्किंग फॉर वन थिंग. आप तो सिर्फ दो लोगों को देख रहे हो, लेकिन हम लोग की मेहनत है, लेकिन जो एक्चुअल रियल कॉन्ट्रीब्यूशन है वो है बिहाइंड द कैमरा, जो जो आप जिनके बारे में जानते भी नहीं हो, यू नो. सो इट्स थैंक्स टू द होल टीम हु हैज पुट अप दिस सॉन्ग. मैं और पार्थ तो सिर्फ दिख रहे हैं, और हम लोग को बहुत वाहवाही करी जा रही है हमारी, बट वी डिजर्व वेरी लिटिल आई फील प्रेजेस फॉर इट. द रियल प्रेजेस टू ऑल दीज पीपल हु हैव वर्क बिहाइंड द कैमरा. तो जब हमें बोल रहे थे कि जब इतने लोग हम मिलते हैं एक प्रोजेक्ट के लिए ना, तो छोटे छोटे डिलेज होते रहते हैं. कभी कॉस्ट्यूम की वजह से डिले हुआ, कभी ये लाइट जा रही है, जल्दी जल्दी शूट हमको करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, वो. But though the problems were many, but we all had a common goal,
that we are working for the song and we all want the song to be beautiful. So jab sab wo us cheez se judte hai na, the results are always good. And Shweta ji se meri set pe zyada baat nahi hui because she was very you know wo hote na ki morally and emotionally supporting, that wo apne dur baithe rehte the and used to see her smiling. हम लोग ने एक बार साथ में सब पिक्चर्स क्लिक करी. ये मैं भूल गया बताइए, आपने ये यू राइटली मेंशनड दिस वन. हां या ऑलवेज स्माइली ना, एंड मुझे फोटोज गाना ओवर बजट जा रहा है गाना ओवर बजट स्माइलिंग जब हो रहा था मेरा, तो श्वेता जी केम एंड शी सेड कि हम लोग सब टीम की फोटो होनी चाहिए, वी वर्किंग टुगेदर. आई सेड ऑफ कोर्स यस. एंड she said that you all are looking beautiful, you all are doing great job, keep it up, take care. So you know, morally and emotionally she was the backbone of our team without again talking much, you know, bas wo dikh rahi thi ki wo smile kar rahi hai aur wo aapko support kar rahi hai. So that was obviously one amazing thing as a producer. With Parth the good thing is that wo ek hota na manja hua actor, experienced one take artist. He's a one-take artist and he's very quick with his expressions and what he wants to do. Yeah. Off camera, he could be on his phone, he could be doing other things, he could be, you know, macro-managing a lot of things. But the moment we used to get ready for our shot, he used to just completely come into the song. So it was into very zone. Interesting for me. And that he was playing in those zones. Sometimes in this zone, sometimes in that zone. And you know, it's always a boon when you work with a team of such professionals, you know, who know their job, who love their job, and we all have come together for a same common goal, you know. Yes. So that support that we got from the whole team was amazing. Aur upar se Sone Pe Suhaga hamara location tha. Ek to jab Rohit se baat ho rahi thi about the location, mujhe lag raha tha ki kahan pe sare क्या हो रहा है. एंड बट यू नो रोहित बीइंग सो सपोर्टिव, ही शेयर्ड द पिक्चर्स विद मी, इनफैक्ट हिज होल टीम, यू नो. इसके लिए मुझे अमित शर्मा ने कांटेक्ट किया था इसके लिए, सो ही वाज आल्सो इन टच विद मी. एंड फोटो तो दिखा रहे थे, मुझे लग रहा था बहुत अच्छी फोटोज हैं, लेकिन पता नहीं ओरछा कहाँ जाएंगे. तो इतने लंबे सफर के बाद व्हेन आई रीच द लोकेशन आई वाज लाइक व्हाट ये क्या है, यू नो. एंड आई रिमेम्बर आई जस्ट मैसेज माय फ्रेंड्स एंड माय पेरेंट्स दैट व्हाट अ ब्यूटीफुल लोकेशन, यू मस्ट कम हियर, इट्स अमेजिंग. अभी तो सिर्फ मैंने ओरछा सिटी में आई थी, मैंने सिर्फ होटल देखा था, आई हैव नॉट इवन सीन द फोर्ट, यू नो. जब हमारी शूट थी, जब हम शूट वहां पर पहुंचे, आई वॉज लाइक डैम, यू नो, वी नीड टू रॉक दिस. आई मीन आई हैड नेवर एवर थॉट इन माई वाइल्ड ड्रीम्स की इतना खूबसूरत लोकेशन वो रहेगा और इतने ब्यूटीफुल उसको शॉट किया जाएगा. हालांकि वो फोर्ट है और वो इतनी मतलब हिस्टोरिकल वैल्यू है उसकी एंड इट्स कंस्ट्रक्टेड इयर्स एंड इयर्स बैक. तो उसका सिर्फ एक ये बात है कि उसकी सीढ़ियां ना बहुत बड़ी हैं, तो वन स्टेप इज एक्चुअली लाइक टेकिंग थ्री स्टेप्स टूगेदर. तो हम शूट पे जा रहे थे कुछ सेकेंड या थर्ड फ्लोर पे शूट करने के लिए और हील्स मैंने पहनी हुई थी, तो थोड़ा सा वो लगता था कि यार ओ गॉड इतनी गर्मी में ऊपर चढ़ना है. बट देन यू नो व्हेन वी यूज्ड टू शूट और वो हमको हमारे जो सिनेमेटोग्राफर हैं ओके सॉरी याद है मैसेज, वो जब भी दिखाते थे हमको कैमरा में कि ये शॉट है आपका, रोहित यूज्ड टू बी लाइक ओ इट्स लुकिंग ब्यूटीफुल, और अंदर फील आ जाती थी कि ओके नो प्रॉब्लम, कीप डूइंग इट. लोकेशन को देख के हमारे अंदर अपने आप में ही ज्यादा जान आ जाती है कि अभी तो एकदम रॉक कर देना है, एकदम अच्छे से कर देना है अभी तो सब. एंड यू नो व्हाट, द होल टीम नीड्स टू बी ऑन द सेम पेज एंड नीड्स टू बी एज एक्साइटेड एज वी आर. एटलीस्ट वन ग्रेट थिंग अबाउट आवर टीम वाज शीतल कि हम सब बहुत एक्साइटेड टीम थे, यू नो. हम लोग को मतलब मन था, शौक था कि यार कुछ अच्छा करना है. सो वो दिखता है वीडियो में, वो पैशन दिखता है वीडियो में. एक्चुअली सीरियसली वन गोल
So this is like a kid in the chocolate shop. You want it all. Yeah. Okay. So श्वेता जी आप बैठे जैसे कि आंचल ने बताया आप सेट पर थे स्माइल करे तो आपने जरूर सभी को नोटिस किया रहेगा तो आप बताइए कुछ आपने बहुत लोगों को नोटिस किया रहेगा तो आप क्या कहना चाहेंगे ये तो मैं भी जानना चाहती हूँ yes. <Question. laughs> मैम पहले तो मैं आपको थैंक्स करना चाहूंगी आई एम नॉट सो स्वीट जैसा इन्होंने बताया एक्चुअली एक्टर्स के बारे में मैं यही कहना चाहूंगी बहुत हम्बल हैं और बहुत हार्ड वर्किंग है मुझे ऐसा लगता था बहुत ही सनी हॉट डे था मैं शेड ढूंढ रही थी कि मैं वहां बैठ जाऊं बट दे वर कंटिन्यूअसली ऑन देयर शूट और मैं इसीलिए स्माइल कर रही थी एंड आई वॉज सिटिंग कि मैं चुपचाप बैठूं ना डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए एंड रोहित सर तो हार्ड वर्किंग मोर देन हार्ड वर्किंग बहुत सपोर्टिव और बहुत ही एक्चुअली आई हैव नो वर्ड्स बट आई हैव टू से इसलिए मैं कह रही हूँ सर आपने जो किया है वो मुझे नहीं लगता क्योंकि मेरा तो पहला एक्सपीरियंस है और किसी के साथ ऐसा नहीं लग रहा आई एम विद सेलिब्रिटीज आंचल मैम बहुत सिंपल स्वीटली हमारे साथ बिहेव किया उन्होंने बहुत अच्छे से मतलब शूट में बिल्कुल उन्होंने हमें कोऑपरेट किया हर चीज में आई एम रियली थैंकफुल पार्थ सर भी बहुत हम्बल है बहुत अच्छे हैं उन्होंने भी है सपोर्टिव है पूरी टीम बहुत सपोर्टिव है और क्योंकि यहाँ मेरी टीम नहीं है बट फिर भी टीम के हर एक मेंबर को मैं थैंक्स करना चाहूंगी ये पूरी हार्डवर्क सिर्फ टीम की है जैसा कि मैम ने कहा हम सामने हैं बट वो जो पीछे उन्होंने किया बैकग्राउंड में रह के वो यस एक्चुअली वो सबसे ज्यादा काम करते पूरा जो लाइटिंग एंड कैमरा एंगल वो सब कुछ बहुत देखना पड़ता है सो ले जैसे कि रोहित जी आपने बताया आपको फिल्म भी डायरेक्ट करनी है तो आप कौन से एक्टर्स के साथ करना चाहेंगे काफी सारे हैं माय पर्सनल फेवरेट गुलशन गुलशन देवैया ओके मतलब बहुत बहुत सीरियसली मतलब उनका कैलिबर काफी ज्यादा है उनका अभी तक ड्यू नहीं मिला है सुनील ग्रोवर के साथ मैंने ही इज लाइक अ ब्रदर टू मी तो मैं उनके साथ दोबारा कभी जिंदगी में काम मिला तो मैं जरूर करना चाहूंगा इज वेरी टैलेंटेड पीपल थिंक ही इज ओनली यू नो कॉमेडियन कॉमेडियन एंड फनी एंड दिस एंड दैट नो बट ही इज यू नो पार एक्सीलेंस विद द अदर इमोशंस एज वेल ही हैज अ स्पेक्ट्रम यू नो एंड ऑब्वियसली आंचल एंड पार्थ फॉर श्योर बिकॉज आई विल गेट एन एडवांटेज बिकॉज नाउ दे विल नॉट क्वेश्चन की विजन क्या है पार्थ भाई एंड आंचल फॉर श्योर अदर देन दैट गुलशन देवैया फॉर श्योर अगर उन्होंने कभी मेरी किसी स्क्रिप्ट को यस कहा और मेरे को उसके पैसे भी मिले तो सुनील ग्रोवर इज अगेन वन and yeah I would matlab sabka favorite to ek hai matlab you know badshah to hai shahrukh so who doesn't want to do work with him? So yeah okay. I mean I came in Mumbai just to follow you know his path so yeah okay aur agar aap aanchal ko cast karenge to aap kaun se genre ka banana chahenge thriller crime more serious kaun sa serious okay. drama serious and drama yes. serious and drama I think She, you know, एक innocence होती है और serious and drama के अंदर वो ना innocence work बहुत करती है तो I think she can pull it off very well, you know. I think her face is a lot in that genre, which I did in this one also. I tried doing that. At least if that hasn't come well, so ये motive. तो serious थोड़ा सा yes, yeah, and serious and drama. Comedy thrill I don't know if we have a good script in place yes then. Okay but yeah serious and for sure okay so lastly jo aapki meri haniya jo song hai usko kafi acha response mila hai to aap aur kya kehna chahenge fans ko achal your genre okay your as hum log jab
ऑफ द कैमरा बात कर रहे थे शीतल, आई वॉज टेलिंग यू दैट दिस इज अ सॉन्ग दैट इज अपीलिंग टू ऑल जनरेशंस अक्रॉस. So, whether you are a teenager, whether you are in your 20s, whether, you know, mere parents hai, mere grandparents hai, they all are loving the song. They all are getting connected to the lyrics, to the music, to the beauty of the song. And it's a very fresh and a naive, you know, ek innocence attached hai ek gaane mein. Jaise wo ek you know, पहले प्यार की जो फीलिंग होती है या जैसे कि वो पहले you know, वो बोलते ना किसी ने अगर फर्स्ट टाइम स्नो देखी अपने जिंदगी में या अपने जिंदगी में जब कोई पहली बार पहाड़ देखता है या पहली बार बारिश महसूस करता है यू नो इट्स नॉट समथिंग लाइक दैट यू नो इस सॉन्ग में कि इट जस्ट मेक्स यू फील वेरी फ्रेश एंड न्यू समथिंग अबाउट द सॉन्ग यू नो सो टू एक्सपीरियंस दैट इमोशंस यू मस्ट ऑब्वियसली सी द सॉन्ग एंड लिसन टू इट. Apart from that, it's as everybody is saying it, जैसे कि आर्को दादा ने भी कहा, it is a cinematic experience to view the song. लगता है कि एक हम लोग ने कुछ मिनटों में ही एक जैसे कि कहानी पूरी express करी है, you know. So that is very interesting to see. And there is also I was seeing आर्को दादा's interview and he said something which is very rightly put. He said कि this is not one of those songs जो ट्रेंड करेंगे लाइक वो आएंगे ट्रेंड करेंगे लोग 10 बार ही सुनेंगे और उसके बाद भूल जाएंगे. बहुत से गाने आते जाते रहते हैं. दिस इज अ सॉन्ग व्हिच इज एक्चुअली एवरग्रीन. दिस इज गोइंग टू बी हियर फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम. और रादर ये एक ऐसा गाना है व्हिच ग्रोज ऑन टू यू. आप पहली बार ये सुनते हैं देखते हैं आपको बहुत खूबसूरत लगेगा. दूसरी बार देखेंगे आपको और भी अच्छा लगेगा. तीसरी बार आपको प्यारी हो जाएगा. सो यू नो देयर आर वेरी फ्यू सॉन्ग्स that we have today jinki quality itni bharpoor hai and there are so many. So there are a lot of reasons why people should love this song. I've just given few reasons. Baki I think people should see the songs and tell us that why this song is so special and amazing. batana chahiye Rohit ji aap kya kehna chahenge. मेरे को मीडिया में से किसी ने बोला था जब हम इवेंट पे थे और मैंने सोचा नहीं था अगर ये ऐसा है तो बाय गॉड ग्रेस माय जॉब इज डन. ठीक है व्यूज कैन कम एंड गो. आई मीन दिस इज यू नो द फुटफॉल देन द नंबर्स. दिस इज द गेम फॉर द प्रोड्यूसर्स एंड द इन्वेस्टर्स एंड द पीपल एंड द चैनल मे बी लेबल मे बी. बट for a creative mind the satisfaction comes when people starts you know praising your work. I think aap pehla screen hua gana aur uske baad there is this one media person comes and said ki ye gaane ka jo feel hai you know visually and audio dono bahut inclined lagte hain sarfarosh ka gana hai wo jo unka love song aata hai right. Aur and I felt you know my heart starts pouring in and said I was about to cry ki nahi yaar aisa hosh walon ko khabar kya zindagi kya cheez. To mere ko laga ki matlab agar comparison ye ho raha hai to I think we all did a very good job. Yeah to aur jaisa industry ke bahut sare logo ko maine bheja tha jab ye gana तो काफी लोगों का बहुत पॉजिटिव रिएक्शन आया. बहुत पॉजिटिव मतलब अभी मैंने रवि दुबे सर को भेजा था थोड़ी देर पहले और उनका बहुत अच्छा फीडबैक आया और बोले कि यार बहुत अच्छा लग रहा है. हाँ तो कुछ डायरेक्टर फ्रेंड्स हैं कुछ प्रोड्यूसर्स फ्रेंड्स हैं. आई शोड इट टू हरबन बवेजा भाई वेरी लॉन्ग बैक. मतलब जब हमने फर्स्ट और सेकेंड कट विदाउट डीआई विदाउट एनीथिंग विदाउट एनी यू नो इफेक्ट्स और एनीथिंग I showed the song to him and I still remember he calling me around 2 AM or something. Bole ki I just saw the song and I'm you know I'm mesmerized by the visuals and all and you know you directed it so well. So yeah I think yeah so yeah it's a journey though but yeah we are getting good reviews from but seriously song was very beautiful actually. Jab maine dekha song जब मैंने सॉन्ग देखा तब मुझे भी बहुत ही खूबसूरत लगा. जैसे वो जो आपने कॉन्सेप्ट पूरा लगाया था लाइक
ये आती है एक्ट्रेस हीरो को बोलती है अपना प्यार का इजहार करती है, देन जो हीरो है सब याद करते है कि हाँ हाँ ये सब हुआ था करके. इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग एक्चुअली. सो नाउ श्वेता जी आप क्या कहना चाहेंगे अपने फैंस? रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है एंड थैंकफुल टू द ऑडियंस और सारी टीम, सबसे रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है एंड थैंक यू सो मच टू यू. आपने भी काफी कहा. सॉन्ग बहुत अच्छा, ऑब्वियसली हम यही चाहते हैं कि सबको बहुत पसंद आए, जो हमने प्रॉमिस किया था वो निभा पाए सब. अभी हमारे साथ भुवन सर नहीं है बट आई वुड लाइक टू से समथिंग अबाउट हिम. ही इज द पर्सन हु स्टार्टेड ऑल दिस. उनकी जो क्रिएटिविटी है आज वही है जो हम यहाँ पर कह रहे हैं. फर्स्ट डे लास्ट डे मतलब टिल डेट आई एम थैंकफुल टू हिम. जो म्यूजिक था मेरे हानिया को एक्चुअली बहुत ही अच्छा है. जो मैंने पार्थ समतान को भी वो जो म्यूजिक है बहुत पसंद आया था. मैंने उनको जो पूछा था तब ये जो म्यूजिक है मेरे हानिया का इट वाज वेरी ब्यूटीफुल. उन्होंने गाया भी था एक्चुअली बहुत खूबसूरत था. इवन आई वांट टू ऐड टू दिस दैट भुवन आहूजा इज वन ऑफ द वेरी नाइस कंपोजर्स एंड यू नो हम लोग आई डोंट थिंक अभी मिले हैं लेकिन हम लोग का थैंक्सफुली सोशल मीडिया इतना बड़ा हो गया है कि किसी से ना भी मिलो तो दैट्स ओके. आई थिंक शूट पे मिले होंगे बट देयर वाज सो मेनी थिंग्स गोइंग ऑन ऑन द शूट सो मे बी आई डोंट रियली रिमेंबर दैट बिट बट आई हैव बीन इन टच विद हिम ऑन इंस्टाग्राम एंड आई कीप थैंकिंग हिम दैट यू नो एवरीबडी इज सी आई डोंट वॉन्ट टू you know miss out any names because ये song बनाने में इतने लोगों का हाथ है but they are the major people जिनका हाथ है. नहीं तो मुझे तो उसको भी thanks बोलना है. I don't know his name. मैं जब shoot पे थी इतनी गर्मी हो रही थी so after every विशाल भी तो है but उनके ना उन्होंने team members बड़े sweet रखे हुए थे. I remember कि एक person ना मुझे ऐसे बोलता था मैम आप प्लीज नारियल पानी पी लीजिए. मैं बोलती थी नहीं नहीं पीना मैम आप प्लीज पी लीजिए आपकी गर्मी जाएगी. वो छाता लेके खड़ा हुआ था मेरे साथ. आई वॉन्ट टू थैंक हिम ऑल्सो बिकॉज इट्स द एफर्ट ऑफ सो मेनी पीपल बिहाइंड द सॉन्ग यू नो. बट राइट नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू थैंक रोहित यू नो आर डीओपी भुवन इज देयर श्वेता जी इज हियर एंड आर्को जी देन एसवीएमटी. सो थैंक्स टू ऑल ऑफ दीस पीपल दैट पार्थ तो ऑब्वियसली मतलब है ही उसको मैं उसको उसको अगर मैं फैंस नहीं बोला तो उसके फैंस उसके फैंस मुझे सबसे पहले लिख देंगे कि why didn't Anshul do this you know. I am amazed by how many people love him Rohit. Actually मैं उसको उस दिन यही मैसेज कर रही थी. We I'm in touch with Parth on Instagram and I was telling him that you know it's an humbling experience to see that how many people love you and in fact uska birthday aane wala tha jab hum log shoot kar rahe the is song ke liye to kafi log kafi fans ko jab pata chala ki Parth yahan pe shoot kar raha hai they got him a cake and you know so he had cut his birthday cake on several moments of those 2 days you know so people love him. And why they love him, we know because he does great work and, you know, his expressions do the magic. Yes. So, yeah, thanks to entire team for making Mere Haniya a hit. I think Shweta ji is not here. Left ho gaye. I think kuch issue hua rahega. Technical issue. Actually. Thank you so much. I mean, join karne ke liye. थैंक यू शीतल आपने बहुत ही अच्छे से हमसे लाइक इंटरव्यू लिया. हमारी बातचीत हुई लग रहा था जैसे कि हम फ्रेंड्स आपस में बैठ के बात कर रहे हैं अपने एक्सपीरियंस के बारे में. सो थैंक यू टू यू फॉर अ ग्रेट ग्रेट इंटरव्यू एंड बीइंग सो लवली. थैंक यू सो मच रोहित जी. थैंक यू सो मच आंचल. आपकी जो थैंक यू शीतल फॉर हैविंग अस. थैंक यू सेम टू यू. बाय रोहित. बाय बाय. बाय.